गैस बेल को पॉपकॉर्न खिला रहे हैं। हॉल की सफाई हो रही है। राधिका ने यहाँ पर सारी बुकें फैला रखी है। करियर आफ्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। गुड मॉर्निंग, जय मुरलीधर। तो छोटी सी क्यारी थी यहाँ पर वाल की, वो निकाल देते हैं। कुछ इस तरीके का होता है, ये देखो। तो ये निकाल देना है। अभी इससे बहुत प्रोडक्शन ले लिया, मतलब कि बहुत बार इसमें से ये वाले निकाल दिए हैं, दो तीन बार। बड़े बड़े होते हैं वो, हमको दिखाया अभी था। तो ये निकाल देने हैं, अभी तो इतने ही बचे हैं सिर्फ, देखिए बाकी पूरे निकाल दिए हैं। और पशुओं को देते गए हैं तो भी निकालने लग जाते हैं ये। तो निकाल दिए हैं, इसके मूल्य बहुत लंबे लंबे से थे, ये देखो। ये कितना बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हो, इतने लंबे लंबे हैं। तो फोन यहाँ पर होल्ड किया हुआ था, ये सारा पशुओं को डाल दिया है। देखिए अभी सूरज की रोशनी आ रही होगी। ये देखो, ये दोनों भी खाने लग गए, ये भी खाने लग गई, और यहाँ पर ये भी। तो चलो चारों को खाने देते हैं। तो यहाँ पर पत्ते सारे बिखरे हुए हैं, उसे इकट्ठा कर लेते हैं, फिर कहीं पर डाल देंगे। तो मुझे तो इतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक साफ हो चुके हैं पत्ते। चलो अभी सुबह का नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आगे का कुछ काम स्टार्ट करते हैं। तो नाश्ता करके रेडी हो गए हैं, और यहाँ पर मम्मी ने देखिए साफ सफाई भी कंप्लीट कर दी। मैंने तो ऊपर ऊपर से साफ किया था, मतलब इकट्ठा किया था, मम्मी ने कंप्लीट साफ कर दिया है। अभी यहाँ पर डाल रहे है, कहाँ डालना है फिर मम्मी? रास्ते में वहां पर हम सारा कुछ कचरा वहीं पर डालते हैं, तो वहां पर ये डलेगा, उसके बाद पूरा सूख जाएगा, फिर इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब कि जला देंगे। इसका खाद भी बना सकते हैं, लेकिन हमें ये खाद पसंद नहीं आता है, इसलिए गोबर का ही खाद बनाते हैं सिर्फ, इसलिए इसे जलाना पड़ रहा है। तो चाचा भी आगे, चलो बैल को लेकर चलते हैं खेत पर और जला कर आते हैं। पापा अभी सब्जी मंडी गए हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। Thank you.
पूरे खेत में चल गया। चलो अभी इम्प्लीमेंट निकालेंगे, बैलगाड़ी में डालेंगे, वहां पर है बैलगाड़ी, फिर बैलगाड़ी ले जाएंगे हमारे घर पर। होल की सफाई हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डलेगा सूखा चारा। कब से स्टार्ट करेंगे पापा? जब मुझे आएगा। अभी एक कूड़ा मचा दिया है सारा, देखिए अभी इसे साफ करेंगे कंप्लीट। यहाँ पर सामान पड़ा था वो निकाल दिया, बाकी वहां पर अलमारी जैसा है उसमें लगा था वो सारा कुछ निकाल दिया है। अभी कंप्लीट साफ कर देंगे और फिर वहां से स्टार्ट करेंगे सूखा चारा डालना। कहाँ पर है सूखा चारा? यहाँ पर देवर, यहाँ सूखा चारा है ना मूंगफली का, वो सारा जाएगा होल के अंदर में। राधिका ने यहाँ पर सारी बुकें फैला रखी है, ये सारी मेरे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट की बुकें है, देखो लास्ट सेमेस्टर के ये सारे बुक है वो ये है, ये देखो सारी फट टूट गई है। ये सारी बुकें इंजीनियरिंग की है, और ये भी देखो करियर आफ्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो करियर तो क्या ही है हमारा। तो मैं जॉब से घर पर आया, तब तक पापा देखिए पंखा फिट करने लग गए, मतलब फिट तो कर दिया था लेकिन थोड़ा सा इस तरफ लेना है अभी, तो वो सारा कुछ अभी देखिए निकाल रहे, उसके बाद इस तरफ लेंगे। ये पंखा हॉल में लगा हुआ था तो वहां से निकाल दिया, अभी यहाँ पर ले लिया। ये हॉल पूरा क्लीन हो चुका है, एको 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 भी बहुत आ रही होगी क्योंकि सारा सामान निकल चुका है ना, इसलिए सिर्फ ये इतना पड़ा है। ये है परदेसी ग्वार और ये चारा है पशुओं का, खली और कॉटन सीड्स वगैरह। तो बाकी एको कैसा आ रहा है देखिए गाइस, बेल को पॉपकॉर्न खिला रहा है देखिए, छोटे से है बच गए थे वो बेल को दे दिए है। चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, बाय बाय।